आगबाज। वाकई हातिम इंसान नहीं, फरिश्ता है फरिश्ता। हाँ जानपरी, एक मुकम्मल इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब के सब हातिम में मौजूद है। तभी तो नीलम परी, हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। क्या हम हातिम को देखना चाहते हैं नीलम परी? क्या गजब करती हैं आप शहजादी, अगर मलिका आलिया ने सुन लिया तो वो आसमान सर पर उठा लेंगी। वो किसी भी कीमत पर ये गवारा नहीं करेंगी कि उनकी जानशीन किसी आदमजात से मिलने की तमन्ना करे। अब जाइए, आराम कीजिए, हम कल सुबह बात करेंगे। नहीं, कल नहीं, हमें हातिम के बारे में और भी कुछ सुनना है। हमें बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन हमें नींद आ रही है शहजादी। तो हम भी यही सो जाएंगे? नहीं, अगर मलिका आलिया को मालूम पड़ेगा कि हमने आपको किसी इंसान के बारे में बताया है तो वो बहुत नाराज होंगी। उनकी तो आदत है किसी से भी नाराज होने की। तुम ठीक कह रही हो चांद, वाकई हमें हर किसी से नाराज होने की आदत है। मलिका आलिया, शहजादी की किसी भी बात का ख्याल मत कीजिएगा, ये तो नादान है। ख्याल शहजादी का नहीं नीलम, ख्याल तो अब तुम्हारा करना पड़ेगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। नीलम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हम तुम्हें इस परिस्तान की वजीर ही नहीं बल्कि अपनी प्यारी सहेली समझते हैं। ये आपकी मोहब्बत है मलिका आलिया। जब भी इस परिस्तान में कोई मसला पेश आया है तो हमने सिर्फ तुमसे मशवरा लिया है। ये मेरी इज्जत अफजाई है। हमने अपनी जानशी चांद को भी हमेशा तुम्हारी ही निगरानी में रखा है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। हमने अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा किया है, सिर्फ तुम पर। खुदा गवाह है मलिका आलिया, हमने हमेशा आपके भरोसे की इज्जत रखी है। हमें मालूम है नीलम, हमें सब मालूम है, और इसी का तो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तुमने इस परिस्तान की और यहाँ की परियों की बहुत खदमत की है, और इसके बदले में इस परिस्तान के नीचे जो छठा आसमान है हम तुम्हें वहां की हुकूमत सौंपते हैं। जी, हम तुम्हें छठे आसमान की मालिका बनाते हैं। मुबारक हो नीलम कि आज से तुम छठे आसमान की मालिका कहलाओगी। हमें उम्मीद है कि तुम वहां भी परिस्तान के उसूलों की निगहबानी करोगी। एक आसमान नीचे उतारने के बावजूद आपने इस नाचीज को बहुत ऊंचा बना दिया है मलिका आलिया। मैं आपकी इस नवाजिश के लिए हमेशा हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मगर नीलम, हम तुम्हारे बगैर इस परिस्तान में नहीं रह सकते। नहीं चांद, अपनी मोहब्बत की जंजीरों से इसकी तरक्की को मत बांधो कि जो इनाम हमने इसे दिया है वो तो इससे भी ज्यादा की हकदार है। आपका ये करम ही मेरे लिए बहुत है मलिका आलिया। हमें तुमसे यही उम्मीद थी नीलम। जुल्म है, ये सरासर ज्यादती है नीलम। मलिका आलिया ने तुम्हें इनाम नहीं सजा दी है, सजा परिस्तान से चले जाने की सजा। मैं जानती हूँ, फिर भी तुमने हंसते हंसते सजा कबूल कर ली। मलिका आलिया का हुक्म मेरे लिए ईमान का दर्जा रखता है शहजादी। मगर ये तो सोचो, तुम वहां अकेली किस तरह रह सकोगी? जैसे दूसरे रह रहे हैं। और हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? क्यों, क्या कमी है इस हसीन परिस्तान में? सब कुछ तो है, और सबसे बढ़कर यहाँ मलिका आलिया है। मगर तुम नहीं हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम अभी मलिका आलिया के पास जाकर इल्तिजा करेंगे। नहीं शहजादी, नहीं,
मलिका यालिया के इनाम की इज्जत रखनी है मुझे। किस दिल से तुम्हें अलविदा कहें नीलम। शहजादी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर पत्थर रखकर करनी पड़ती हैं। मैं भी वही कर रही हूं, तुम भी वही करो। गुलाब, गुलाब परी। कौन? हम। शहजादी? आप? शहजादी नहीं, हम तो तुम्हारी प्यारी सहेली है गुलाब। ये रिश्ता तो उस वक्त तक था शहजादी, जब तक कि हम उस कैद खाने से आजाद थे। अब तो हमारा तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया है, एक कैदी और एक शहजादी का। ऐसा मत कहो, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। आपकी हमदर्दी मुझे मेरे महबूब से तो नहीं मिला सकती। आखिर उस आदम जात में ऐसा क्या है जो तुम अपने आप को इस कदर दुख दे रही हो? ये तुम क्या जानो शहजादी, किस दर्द में क्या मजा है। किसी के लिए अपने आप को तड़पाने में जो मजा है ना, वो इस परिस्थान के ऐशो आराम में भी नहीं। जानती हो, जब वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो ऐसा लगता है मानो दिल का एक एक तार झनझना उठा हो। जब वो मेरे हाथों को अपने हाथों में थामता है तो ऐसा लगता है मानो जहान भर की दौलत मेरी मुट्ठी में समा गई हो। जब वो अपनी मजबूत बाहों में मुझे भर लेता है तो कैफ़ो सुरूर की महक मेरे रोम रोम में दौड़ जाती है। क्या हातिम भी एक ऐसा इंसान है? हातिम? कौन हातिम? नीलम परी बताती थी, वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी तारीफ सुन सुन कर तो हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। ओह, तो आखिर आपके दिल में भी किसी इंसान को देखने की आरजू पैदा हो ही गई। बहादुरी और सखावत में उसकी कोई मिसाल नहीं। और मोहब्बत में? मोहब्बत में? क्या वो भी किसी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना मेरा महबूब मुझसे? ये हमें नहीं मालूम, मगर नीलम परी बताती थी कि उसे इश्क और मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है तो पैदा हो जाएगी जिस दिन वो तुम जैसी खूबसूरत परी से मिलेगा। शायद तुम ही से मिल जाए। हमसे? मगर ये कैसे हो सकता है, वो वहां नीचे दुनिया में और हम यहाँ परिस्तान में। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया में जाने का रास्ता बता सकती हूँ। नहीं नहीं, हम दुनिया में जाने की खता नहीं करेंगे। तुम्हारा अंजाम तो हमारे सामने है। अगर मलका आलिया को पता चला तो वो हमें भी पिंजरे में कैद कर लेंगी। जो सजा से डर गया वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा। जाओ शहजादी जाओ, ये इश्क मोहब्बत तुम जैसे बुजदिल परियों की बस की बात नहीं। तुम तो नाराज हो गई। मैं नाराज ना हूं तो और क्या करूं? एक और तुम्हारे दिल में उस इंसान को देखने की तमन्ना है, दूसरी और मलिका आलिया का खौफ। अब तुम ही बताओ, एक दिल में दो जज्बात कैसे रह सकते हैं? या तो तुम अपने दिल से उस खौफ को निकाल दो या उस इंसान का ख्याल। अच्छा, अगर हम दुनिया में चले भी गए तो हम उसे तलाश कैसे करेंगे? वो जगह तो हमारे लिए बिल्कुल नई होगी। दिल को दिल से राह होती है शहजादी। अगर जज्बात में सच्चाई हो तो महबूब खुद ब खुद खींचा चलाता है। तो फिर तुम्हारा महबूब तुमसे मिलने परिस्तान क्यों नहीं आया? इसलिए शहजादी, क्योंकि इस परिस्तान में इंसान तो क्या, उसकी परछाई भी दाखिल नहीं हो सकती। नीलम के चले जाने के बाद तुम इस बदबख्त परी से आदमजात का जिक्र सुनने चली आई? जी जी नहीं, हम तो बस यूं ही यहां से गुजर रहे थे।
हमने सच्चाई से भी मिलते चले। हमसे झूठ मत बोलो, ये कैद खाना है, कोई सैरगाह नहीं जहां तुम चहलकदमी करने चली आई। याद रखो, आइंदा तुम तो क्या, तुम्हारा ख्याल भी यहां से गुजरने ना पाए। जो हुक्म। और तू गुलाब परी, आज के बाद अगर फिर कभी तूने हमारी चांद को अपने मनहूस आशिक या किसी और इंसान का किस्सा सुनाने की हिम्मत की तो हम तुझे इससे भी खौफनाक सजा दे देंगे। अपने महबूब की जुदाई से बढ़कर मेरे लिए और क्या सजा हो सकती है मलिका आलिया? लगता है कैद खाने के इन अंधेरों में अभी तक तेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी बाकी है। दिल में जब मोहब्बत की रोशनी जगमगा उठती है तो उसे इस कैद खाने के अंधेरे तो क्या, कायनात की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। आप भी नहीं मलिका आलिया, आप भी नहीं। हम इस परिस्तान की मलिका हैं, यहां हमारी हुकूमत है। हम चाहे तो अभी और इसी वक्त तुझे जलाकर खाक कर सकते हैं। तो ये खाक उड़कर अपने महबूब के दामन से जा लिपटेगी। हम तुझे पानी का कतरा बना देंगे। तो ये कतरा प्यार बनकर अपने महबूब पर बरस उठेगा। हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए बर्फ बना सकते हैं। तो ये बर्फ इश्क की आग में जलने वाले अपने इस आशिक के दिल में ठंडक बनके उतर जाएगी। तो फिर हम तुझे आग बना देंगे, आग। अगर वो आग अपने आशिक के पास जाएगी भी तो उसे जलाकर खाक कर देगी। अगर इस परिस्तान में जरा बराबर भी आग लगी तो उसमें मैं तो क्या, सारा परिस्तान जल के खाक हो जाएगा।